उदयपुर के अम्बामाता थाना सर्कल में दो दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी मृतक का जानकार था, जो उसे नाते पता के तहत उसे शादी करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा उसे मना करती रहती थी। घटना वाले दिन भी उसने उससे मुलाकात की और मुलाकात करने के दौरान उसने उससे जिद की कि वो उसके साथ नाते पता के तहत शादी कर ले, लेकिन जब मना किया गया तो उसने गुस्से में आकर उस पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इस घटना के तुरंत बाद ही व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि यह घटना इस समय इतनी चैलेंजिंग इसलिए थी कि ना ही मृतक और ना ही आरोपी दोनों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, और जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते तो ट्रेडिशनल रूप से इस मामले का खुलासा किया गया है। इसको लेकर अब पुलिस इस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। बाबा चर्च जो है उसके पास में झाड़ियों में एक महिला की डेड बॉडी मिली, उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, तो पुलिस ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करी। कार्रवाई के दौरान चूंकि वहां पे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था जिसे किसी पर्टिकुलर आदमी को या घटना की ओर सूचित करे, तो इसमें उन्होंने एक टीम बनाई, पांच टीम अलग अलग बनाई, जिसके अंदर विशेष भूमिका में जो एडिशनल एसपी साहब हैं लोकेंद्र दादाल साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, और जो एसएचओ है वहां के मुकामी डॉक्टर हनुमान सिंह राजपुरोहित, इन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर उसमें काम करना चालू किया। आसपास के बहुत 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक एक सीसीटीवी और जो भी चीजें अवेलेबल हुई वो सब उन्होंने छानी। छानने के बाद उन्होंने 120 सीसीटीवी में से एक सीसीटीवी ऐसा था जिसके अंदर उन्होंने एक व्यक्ति आता और जाता दिखाई दिया घटनाक्रम जो घटना का समय था उसके आसपास। इन्होंने उस पर फोकस करके, चूंकि वो एक आदमी सामान्य से आदमी दिखने वाला था, तो हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन्होंने जारी किया और एक एक्सटेंसिव सर्च पूरे शहर में इन्होंने लॉन्च की। उसके हुलिया और उसके जो था जो काम करने का जो लगता था कि क्या काम करता होगा, उस हिसाब से उन्होंने पूरे शहर में सर्च लॉन्च करके 2 दिन के अंदर अंदर उसको दस्तयाब किया। उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करके उसे पूरी घटना का पता लगाया। तो घटनाक्रम जो है वो इस प्रकार है कि महिला और ये जो पुरुष है अमरा राम जिसका नाम है, ये दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। इसकी बीवी यहाँ पे इसको छोड़ के जा चुकी है, तो ये उस महिला को नाते लाना चाहता था, पर अभी तक इनकी बात बन रही थी, हर बार ये उसको पैसे बीच बीच में देता रहता था। घटना के दिन भी इनकी आपस में दोनों मोबाइल ही रखते हैं, तो घटना के दिन भी एक बार किस्मत से एक दूसरे से टकरा गए, तो उसने फिर से उसे बोला कि चलेगी नहीं चलेगी, इस बात पे उनकी थोड़ी बहसबाजी हुई। इसके बाद में उसे उसका पीछा करता रहा, जब सुनसान जगह देखी तो मौका पाके उसने पहले तो उसका रेप करने की कोशिश करी और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। रेप उसने नहीं किया, केवल कोशिश करी, कपड़े अस्त व्यस्त इसी जो छीना झपटी मार पीटे इसके अंदर हुए, पर उसने उसको जब नहीं उसका बना काम तो उसने उसको सिर पे डंडा मार के मार दिया। यहाँ पे मजदूर लोग रुकते हैं, माल लोग रुकते हैं, वहां पे रुका हुआ था, जगह जगह पे बदलता रहता था, ये किसी घर में भी शायद थोड़ी देर के लिए रुका, इस तरह से स्थान बदल रहा था बार बार। ये सायरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। किस चीज का काम करता है? ये हमाली का काम करता। सर वहां घटनास्थल पे कोई सामान भी मिला था, कुल्हाड़ी ये कूट जिसको बोलते हो ना जी, उससे इसने उसकी हत्या की।